हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन है क्या। आइए, टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा वाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू टू। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां हमने लिखा साइन थीटा बाय, इसको हम पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने ऐसा लिख लिया। ओके, माइनस यहां लिखेंगे साइन थीटा बाय, यहां इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए हमने लिख दिया यहां साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। चलिए हम इसको ऐड करते हैं, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या मिला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो चलिए, और साइन से इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू, लिखे इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट बंद, प्लस लिखेंगे, इससे डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यार। तो यहां पर है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, इतना तो समझ में आया होगा। अगला स्टेप क्या होगा, इस साइन का इस दोनों में मल्टीप्लाई, इस साइन का इस दोनों में मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप है। तो चलिए हम करते हैं, यहां देखिए साइन से कॉसेक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस है, इस साइन का मल्टीप्लाई कॉट के साथ करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस है यहां तो प्लस लिखिए, साइन का कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन का कॉट के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए नीचे में हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी, यहां भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी दोनों में माइनस और प्लस का डिफरेंस, ये ए कहते हैं और ये बी कहते हैं। तो एक बात बताइए, हमारे पास एक आइडेंटिटी दिख रहा है यहां पे, क्या आइडेंटिटी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोग की, ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वही आइडेंटिटी हम नीचे में यूज करेंगे, तो मिलेगा कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी कॉट स्क्वायर थीटा। ओके अब देखिए यहां पर याद है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, एक है माइनस में दूसरा है प्लस में, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या, तो पहला आइडेंटिटी आपके लिए है यहां पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर लिखते हैं क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन, यहां पर क्या बच गया प्लस, यहां देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन डिवाइडेड बाई। एक आइडेंटिटी और है हम लोगों के पास, वह क्या है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो अब बताइए इसका वैल्यू क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब आप बताइए यहां पर वन प्लस वन क्या टू बाई वन, यानी हमारा जो रिजल्ट मिला टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गया जी प्रूफ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।